बॉबी झारमेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एग्जिट पोल्स के बाद सरकार बनाने की बैठक की तैयारी में एनडीए और यूपीए। लोकसभा चुनाव 2019 का एग्जिट पोल्स के नतीजे आने के बाद सभी पार्टियों में हड़कंप मच गया है। एग्जिट पोल्स में आए नतीजे के बाद पक्ष विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सर्वे में जहां बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने इस सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष का मानना है कि सर्वे में दिखाए गए आंकड़े सही साबित नहीं होंगे। इस बीच एनडीए और यूपीए दोनों दल सरकार बनाने की बैठक की तैयारी में जुट गए हैं। सोनिया गांधी ने 23 मई को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। एग्जिट पोल्स में निगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद विपक्ष को पूरा भरोसा है कि इन्हें इस लोकसभा में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू भी अपने मिशन में लगे हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस एग्जिट पोल से बीजेपी खास उत्साहित नजर आ रही है। खबरों की माने तो एनडीए के सभी राजनीतिक दल दिल्ली में 21 मई को एक बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में नई सरकार बनाने को लेकर एनडीए के नेताओं के बीच चर्चा विचरण होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष की इस बैठक में मायावती शामिल नहीं होगी। भाजपा की नागपुर इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि बहुमत नहीं मिलने की परिस्थिति में संघ मोदी को साइडलाइन कर सकता है। आखिर भाजपा की भागदौड़ अप्रत्यक्ष रूप से संघ के हाथों में ही है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सरकार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।